चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे अगर आप सहयोग करेंगे तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाले हैं। आप मेहनत कीजिए, और इस समय कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोचिंग संस्थाएं सब बंद रहती हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको एक से एक अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको बताएं ऑनलाइन के माध्यम से, और आप अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकें, आप अपना करियर बना सकें। तो बेटा अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने कामयाबी के लक्ष्य को चूमिए, क्योंकि मेहनत एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और आप एक दिन बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है, देखिए मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा आपकी मेहनत कैसी थी बेटा। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत और लगन से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आप बिल्कुल उस चीज़ को, बिल्कुल सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सफलता असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के को कराएगी, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय आपको कराएगी। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहेंगे बेटा, आप सफल जरूर होइए। क्योंकि पतंग को पता होता है कि उसे एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना है, उससे पहले उसे आसमान को छू करके दिखाना होता है। तो आप सफल जरूर होइए, क्योंकि देखिए हम सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहेंगे, अभी वक्त है, टाइम निकाल करके पढ़ लीजिए। अगर आप सोचिएगा कि आराम कर लें तो सारी जिंदगी आपको जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर आप इस समय अगर आप पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो आप सारी जिंदगी जो है परेशानी उठानी आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर चीज का बेटा एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होती है। अगर टाइम से समय के साथ साथ अगर हम चलेंगे तो हम हर एक चीज की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर समय के साथ साथ नहीं चले तो समय खुद तय कर देगा आपको किस तरह से चलाना है। तो बेटा आप मेहनत कीजिए, अपने जो कामयाबी है उस चीज को प्राप्त कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं भी वर्तमान समय कंप्यूटर का बहुत ज्यादा जरूरत है, इस चीज की नीड है। तो आप उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए जहां से हमें सफलता के 100% चांसेस हो, जहां से हमें सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेहनत अगर आप कीजिएगा तो आप मेहनत करके आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके गोल्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कामयाबी होना। क्योंकि देखिए 97% लोग, अर्थात 97% लोग काम करते करते थक कर यानी हार कर काम करना छोड़ देते हैं, और उन 3% लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों उन 97% की कैटेगरी में आपको नहीं आना है, 3% की कैटेगरी में आना है। 3% लोग ही रह जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते। अगर आपको जो है इसी तरह से कामयाबी को अपनी हासिल करना है तो आपको मेहनत करके दिखाना होगा, अपनी सफलता को दिखाना होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। क्योंकि आप मेहनत को इतनी खामोशी से कीजिए जो कि जिस दिन आप कामयाब रहेंगे उस दिन आपका समाज में क्षेत्र में नाम होगा। क्योंकि देखिए हर एक माता पिता के ड्रीम्स होते हैं कि भाई हमारा लड़का भी एक दिन कामयाब होगा और हमारा भी एक दिन नाम करेगा। तो बेटा अपने माता पिता के ड्रीम्स को कभी मत तोड़िएगा, और कभी भी हमें अपने माता पिता के ड्रीम्स को, किसी भी गर्ल्स ड्रीम गर्ल्स के लिए तो हमें कभी भी अपने माता पिता के ड्रीम्स को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ किए हैं, आपको इतनी एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है भाई, इतना मेहनत से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। एक उनका उनकी एक आशा है कि बेटा आप जो हैं बिल्कुल सक्सेस होंगे और हमारा एक दिन नाम करेंगे। तो बेटा उनके ड्रीम्स को, अपने उनके सपनों को कभी मत तोड़िएगा आप। हम सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहते हैं, आप इससे अच्छा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके ड्रीम्स को आप ज़रूर पूरा कीजिए। क्योंकि बहुत अक्सर ऐसे छात्र हैं जो बहुत ग्रेजुएशन डिग्री आप प्राप्त कर रखे हैं, लेकिन थोड़ी लापरवाही करते हैं बाहर जा कर के, और वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है समाज के क्षेत्र में कि भी उसका लड़का सक्सेस नहीं हो, उसने इस तरह से ग्रेजुएशन कर रखे हैं।
तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कम से कम अगर आप पढ़ रहे हो तो सक्सेस होकर दिखाइए, या फिर उससे अच्छा पढ़िए मत, क्योंकि इससे समाज के अंदर नेगेटिव संदेश नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हाँ मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी सफल होना है, तो आप बिल्कुल हम गारंटी से बोल रहे हैं आप सफल हो जाएंगे। एक लगन के साथ आप मेहनत कीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो करना चाहे दुनिया, करना चाहे आपके जैसा कुछ, कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी तरह से आप मेहनत कीजिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।